हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी फ्रॉम तक्षला लॉ एकेडमी लखनऊ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ फ्रॉड्स का, कि बिहार पीसीएलसीए में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। और आज हम एनालिसिस के साथ लेके आए हैं 2013 से 2018 तक के किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस बने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार हम वेटेज देख लेते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कितना वेटेज है। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम कवर कर चुके हैं अपनी वीडियो में, आप आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसका 12 मार्क्स का वेटेज है इन 2018, 16 में 14 मार्क्स का रहा है और 13 में 12 मार्क्स का रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 12 टू 14 के बीच में वेटेज रहता है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। तो जो भी टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं उन्हीं से ही रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं आया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सालमन से डेफिनेशन आई थी 2013 में, टॉर्ट की डेफिनेशन पूछी थी कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो डेफिनेशन थी, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ये बोला था सालमन ने और ये क्वेश्चन आया था 2013 में। न्यूसेंस से रिलेटेड आया था कि न्यूसेंस एज अ टॉर्ट वाज डिफाइंड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। ये बोला था विनफील्ड ने और ये क्वेश्चन आया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 2016 में, दैट लाइबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉर्ट अराइजेज ओनली व्हेन द रॉन्ग इज कवर्ड बाय एनी वन और द अदर नॉमिनेटेड टॉर्ट। ये डेफिनेशन दी थी फेजर ने। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सियम। मैक्सियम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन टॉर्ट। तो सबसे पहला हमारा जो 2016 में 13 में कोई भी मैक्सियम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, 16 में क्वेश्चन आया था। तो 16 में पहला क्वेश्चन था क्वी फैसिट पर एलियम, फैसिट पर से, इस मैक्सियम का मतलब क्या होता है और किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है विकेरियस लाइबिलिटी से और 2016 में ये क्वेश्चन पुट ऑन किया था। देन नेक्स्ट मैक्सियम इज ओबी जस इबी रेबिडियम। तो ये क्वेश्चन आया था कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी और ये क्वेश्चन आया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया। केसेस दिए थे, 4 ऑप्शंस थे, उसमें रेस्क्यू केस के अकॉर्डिंग पूछा था कि बेस्ड ऑन द रेस्क्यू केस कौन सा केस करेक्ट है फॉर दिस मैक्सियम। करेक्ट केस वॉज हाइनेस वर्सेज हार्वर्ड, क्वेश्चन वॉज पुट ऑन इन 2016। देन आता है 2018 में पूछा था कि मोगल स्टीमशिप कॉरपोरेशन वर्सेज मैक जॉर्ज गो एंड कॉरपोरेशन 1892 बिलोंग्स टू विच ऑफ द मैक्सियम। तो ये था डैमनम साइन इंजूरिया का। देन डिस्ट्रेस डैमेज फीज एंड मीन्स, 2018 में एक और क्वेश्चन आया था मैक्सियम से, डिस्ट्रेस डैमेज फीज एंड मीन्स राइट टू डिटेन द थिंग्स अंटिल कंपनसेशन इज पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 में आया था साइंटी नॉट फिट इंजूरिया, इसका मीनिंग पूछा था, मीनिंग था मेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। तो ये क्वेश्चन हमारे टोटल 2016 टू 2018 मैक्सियम से रिलेटेड आए थे। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से रिपीटेडली क्वेश्चंस आए, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 2013 में अगर हम देखते हैं तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को ऑप्शंस में पूछा था कि डिस्क्राइब्ड कैसे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, सिविल प्रोसीडिंग है, किस तरह की प्रोसीडिंग है। तो इट इज़ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन अराइजेज, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की लाइबिलिटी कब अराइज करती है, व्हेन द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड बिफोर जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये क्वेश्चन पुट किया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2016, इसमें पूछा था कि इन अ सूट फॉर डैमेज ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द प्लेंटिफ।
प्लेंटिफ क्या प्रूफ करेगा, तो दैट द प्रोसिक्यूशन वॉज इंस्टीट्यूटेड विदाउट रीजन एंड प्रोबेबल कॉज, यानी कि कोई भी कॉज नहीं था या कोई रीजन नहीं था इंस्टीट्यूट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था 2013 का, प्रोसिक्यूशन अंडर टॉर्ट ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन्स, इसकी मीनिंग पूछी गई थी, प्रोसीडिंग अंडरटेकन बोथ बाय पुलिस ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ओके, नेक्स्ट इज न्यूसेंस. न्यूसेंस से भी रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहीं से ही रिपीटेडली क्वेश्चंस बन रहे हैं बिहार पीसीएस जे के लिए. तो न्यूसेंस से आपका क्वेश्चन आया है, अ पब्लिक न्यूसेंस इज अ क्रिमिनल एंड नॉट अ सिविल रॉन्ग, ये पूछा था 2016 में. देन नेक्स्ट इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ पर्सन्स यूज और इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट इज नोन एज टॉर्ट ऑफ. न्यूसेंस की डेफिनेशन पूछी थी कि इसको क्या कहते हैं टॉर्ट में, तो इट इज़ नोन एज न्यूसेंस. और ये क्वेश्चन 2018 में आया था. 2018 में एक और क्वेश्चन आया था, दैट इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रिंग एन एक्शन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट फॉर द टॉर्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, ही मस्ट हैव टू प्रूव दैट, उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा अगर उसको लॉ ऑफ टॉर्ट में पब्लिक न्यूसेंस के लिए एक्शन लेना है, तो इंजरी वॉज डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियली ओनली टू हिम. इंजरी जो थी वो कैसी थी, डायरेक्ट थी और उसी के लिए की गई थी, सब्सटेंशियली ओनली टू हिम. देन बात करते हैं, अगर हम लाइबिलिटी की बात करते हैं तो विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये तीन चार लाइबिलिटीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली वहीं से ही क्वेश्चन पुट ऑन किया जा रहा है. जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी इज अप्लाइड व्हेन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, 2013 का क्वेश्चन था. देन क्वेश्चन पूछा गया था, केस ऑफ कस्तूरी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू, तो विकेरियस लाइबिलिटी 2013. नेक्स्ट क्वेश्चन था एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में चारों ऑप्शंस में ए बी सी तीनों कंडीशन आपके एसेंशियल्स बताए गए थे एंड डी वॉज ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर वॉज ऑल ऑफ द अबव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. केसेस दिए गए थे कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कौन सा केस आता है, तो इट वॉज एम सी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. देन 2018 में पूछा गया था कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, यहाँ पे टॉर्टियस लाइबिलिटी की बात की गई थी और ये बोला था विनफील्ड ने, ये क्वेश्चन 2018 में आया था. देन नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस से भी रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं, तो नेग्लिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में पूछा था, द स्टैंडर्ड ऑफ केयर रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट इन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज ऑफ, किस तरह का आपको केयर रखना चाहिए था, तो इट शुड बी रीजनेबल एंड प्रूडेंट मैन, इस तरह का आपका केयर होना चाहिए था ताकि टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में डिफेंड मिल सके. देन नेक्स्ट इज रूल रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस, किस केस लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेग्लिजेंस दिया गया था, रूल दिया गया था, तो इट वॉज डगनस वर्सेज स्टीवन, ईयर है 2016 का. देन नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, सेम आपका केस लॉ फिर पूछा गया था, ये फंडामेंटल टेस्ट किस केस में दिया गया है, तो इट इज अगेन डगनस वर्सेज स्टीवन 2016 में. एक चीज़ और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि और कौन कौन से किस फील्ड से क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग बिहार पीसीएस जे टॉट. तो एक हमारा आता है आपका, सॉरी, डैमेजेस से, देन आता है डिफॉर्मेशन. इसमें से एक एक दो दो क्वेश्चंस आए थे तो इसको हमने वीडियो में नहीं डाला है, तो आप प्रिपेयर कर लेंगे. देन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, पिजन होल थ्योरी भी आई है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके आए हैं बिहार पीसीएस जे में अभी तक.
तो डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड थैंक यू सो मच.